लेकिन इस मथुरा के ब्रज के विकास के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो क्यों जब मेरी माँ तपती धूप में चल रही है तो थोड़ा तो पुत्र को भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि हम टकाटक खरीद लेंगे लोगों को। अहंकार और घमंड का चकनाचूर हो चुका है। इंडिया गठबंधन की पूरे देश के अंदर लहर चल रही है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, जिसको लेकर के सभी प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आखिरकार क्या रहने वाला है, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के? हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुकेश धनगर, हम उनसे जानना चाहेंगे। देखा जा रहा है सभी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं प्रत्याशियों की, तो 4 तारीख को क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया बात कही, कोई दिल की धड़कन बढ़ी हुई नहीं है जी। यह चुनाव तो ब्रज के ब्रजवासियों ने लड़ा है, यह चुनाव माँ यमुना मैया ने लड़ा है, राजधराज जी ने लड़ा है, और इस कलयुग के अवतार वीरों के वीर बजरंगबली जी ने लड़ा है। कोई धड़कन तेज नहीं है और परिणाम भी बहुत सकारात्मक होगा। और मुकेश धनगर ना चुनाव पहले लड़ा था ना लड़ा है, यहाँ के ब्रज के ब्रजवासियों ने यह चुनाव लड़ा है। ये जीत भी ब्रज के ब्रजवासियों की होगी और हार भी होगी तो ब्रज के ब्रजवासियों की होगी। जैसे हेमा मालिनी ने कहा था कि मैं 7 लाख से जीतूंगी, 5 लाख से जीतूंगी, पर आपने कहा था कि मैं 7 या 5 से नहीं, मैं ब्रजवासियों के आशीर्वाद से जीतूंगा, तो क्या लग रहा है कि आपकी जीत कितने से होने वाली है? ये फिर कह रहा हूँ, तो यह जीत भी ब्रजवासियों की जीत है और आशीर्वाद जो मुझे दिया वो ब्रजवासियों ने ब्रजवासियों के लिए आशीर्वाद दिया, और ये जीत भी निश्चित ब्रजवासियों की होगी और हार भी ब्रजवासियों की होगी। अच्छा, आपने जब से चुनाव प्रचार स्टार्ट किया था तब से देखा गया कि आप चप्पल नहीं पहन रहे हैं और आज भी चप्पल पहन के नहीं है, और 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, तो आपने अभी तक चप्पल क्यों नहीं पहनी है? क्या 4 तारीख को पहनेंगे या कोई संकल्प है या क्या है? ये दृढ़ संकल्प है, संकल्प नहीं, ये दृढ़ संकल्प है। जब एक तरफ जो यहाँ की सांसद और प्रत्याशी हैं, बड़े बड़े सिने तारका हैं, अच्छा नृत्य का है मान सकता हूँ, लेकिन इस मथुरा के ब्रज के विकास के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। जब इस ब्रज की एक मेरी माता जी, जब मैं प्रचार के दौरान चल रहा था तो सामने से मेरी नज़र पड़ी और तपती हुई धूप में जा रही थी, तो मेरा एक अंदर से भाव था, एक मानव मनुष्य प्रकृति होती है, मानव प्रवृत्ति है, जब कोई सामने कोई बात होती है तो उसे यदि वास्तव में उसके अंदर मानवता है तो मानवता कहीं ना कहीं झलकेगी। तो कोई मेरा इससे राजनीतिक भी कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं था, ना मेरा ऐसा कोई मन में भाव आया थी, मैंने अपनी चप्पल उनको दे दी और ये दृढ़ संकल्प लिया कि इस ब्रज में जो मेरी ब्रज की माता हैं, जो जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, तो मैंने भी कहा कि मैं भी इसका थोड़ा सा, जिस तरीके से वो इस तपती धूप में संकट से जूझ रही है, तो मैं भी, क्योंकि मैं उनकी कोख का पैदा हुआ हूँ, मैं भी ब्रज का, इस माटी का लाल हूँ, तो क्यों जब मेरी माँ तपती धूप में चल रही है जी, तो थोड़ा तो पुत्र को भी समझना चाहिए कि जब माँ पैदल चल रही है, नंगे पैर चल रही है, तो बेटा को तो स्वाभाविक चलना चाहिए। और यदि माँ यमुना जी ने मुझे आशीर्वाद और ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिला, तो इस ब्रज की में जो भी मेरी माताएं या इस ब्रज से संबंधित कहीं भी इस पूरे क्षेत्र में, उनके सभी के पैरों में मैं चप्पल पहनाऊंगा, तब मैं चप्पल पहनूंगा। आज आखिरी चरण का चुनाव है, 1 तारीख है चुनाव चल रहा है, तो इसको लेकर के आप सब जगह गए हैं, तो किस तरीके का हर जगह कांग्रेस की क्या निकल कर आ रही है? इंडिया गठबंधन की पूरे देश के अंदर लहर चल रही है, अहंकार और घमंड का चकनाचूर हो चुका है। अभी आप मुझे कोई साथी बता रहे थे, सुन रहा था मैं, कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि हम टकाटक खरीद लेंगे लोगों को। एक प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कह रहा है तो सोचिए इस देश का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। मैं तो देशवासियों से, ब्रजवासियों से और प्रदेशवासियों से ये अपील करता हूँ, जो व्यक्ति धनबल बाहुबल के बल पर इस भाषा का प्रयोग कर रहा हो तो उसे साक्षात नीली छतरी वाला देखता है। ये इस तरीके की भाषा ये प्रतीत करती है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अच्छा, हेमा मालिनी यहाँ चुनाव जैसे ही उनका मतदान यहाँ होने वाला था, जो करने के बाद में तुरंत निकल जाती हैं और कोई ब्रजवासियों के लिए अपील नहीं करती हैं, उन्हें धन्यवाद नहीं देती हैं, और अब 3 तारीख को वो आएंगी और 4 तारीख को होने वाला है नतीजे आने वाले हैं, इस बीच में नहीं रही हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये तो ब्रजवासियों की भी थोड़ा सा समझ कमी है उनकी, ब्रजवासियों को समझना चाहिए। 10 साल तक उन्होंने जो उनको सम्मान प्यार ब्रज के ब्रजवासियों ने दिया और उनको वहाँ तक पहुँचाया,
तो ये नैतिक जिम्मेदारी भी उस प्रत्याशी की बनती है। उनकी आंखों में पानी खत्म हो चुका है और उनको विकास की बात तो अलग है, उनको किसी से दूर दूर तक मतलब नहीं है, वो तो केवल और केवल एक भाजपा की कठपुतली बनी हुई है, उसके लिए आती हैं और ब्रजवासियों को छलने का काम करती हैं। उन्होंने तमाम उनके पूरे परिवार की, उनकी बेटी और तमाम लोग आए, बड़ी बड़ी बातें कहीं, विकास की बातें कहीं। आपने देखा कि जब भी वो अभी नामांकन करने के लिए गई थी तो उन्होंने कहा था कि, फिर उन्होंने एक बात कही कि मैं तो यमुना जी को यमुना पटरानी हूँ और ये है, तमाम तरीके की बातें कहीं। तो यदि उनमें मानता हूँ आस्था का विषय यमुना जी, उन्होंने पूजा अर्चना की, अच्छी बात है, लेकिन पूजा अर्चना के साथ साथ उनका आचमन क्यों नहीं किया? क्या आपने तो चैलेंज भी किया था जल पीने के लिए? मैं तो अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ उनको और आगे भी जब तक रहूंगा, जब तक चैलेंज ही करता रहूंगा, लेकिन मुद्दों के साथ। वो आए फिर वो यमुना जी का मेरे साथ जल पिए, पहले मैं पीऊंगा फिर वो पिए। आपने फसल कटाई को लेकर के भी बयान साथ आता था? वो मैंने कहा ना, वो फोटो जीवी हैं, उन्होंने केवल वो सिने तारका हैं, स्टार हैं, अच्छी बात है, सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरीके के सस्ती लोकप्रियता लूटना भी, ब्रजवासियों के साथ धोखा करना है और अपने आप को भी धोखा देना है। यदि वो वास्तव में सच्चा किसान है, तैसी है, सच्चा किसानों की प्रेमी है, और जिस तरीके से उन्होंने जो फोटो अपना लेकर, बाल की जो गेहूँ की बाल लेकर खिंचवाया, उससे ये प्रतीत होता था उस फोटो को देख के कि वो किसानों की तैसी हैं। आज वो कहाँ हैं? जैसे ही चुनाव हुआ, चुनाव का आपने प्रश्न किया, चुनाव के बाद तो वो आम लोगों की तो बात छोड़िए, वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से तक नहीं मिली, तो ब्रजवासियों से क्या मिलेगी? ये इस बात का ये दर्शाता है कि वो भी अपने घमंड में और अहंकार में बिल्कुल चकनाचूर हैं। और मैं तो माँ यमुना जी से और द्वारका जी से और समस्त ब्रजवासियों से, ये उनके जो मुझे प्यार और आशीर्वाद जो दिया है, मैं उनका एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक भी उनका कर्ज नहीं उतारूंगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर ब्रजवासियों के आशीर्वाद से अगर 4 तारीख को जीत का जहरा अगर आपके सर पे होता है, तो क्या कुछ प्राथमिकता में रहेगा आपके लिए? सबसे पहले ब्रजवासियों के लिए प्राथमिकता ये रहेगी, ब्रज के ब्रजवासी, एक एक ब्रज का ब्रजवासी, विश्व पटल पर मथुरा का जाकर लोग कहेंगे, आप मथुरा को जाके देखिए हमारी मथुरा कैसी है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन मथुरा जैसे कहती है कि 3 लोक से न्यारी है, उसी रूप में यदि ब्रज के ब्रजवासी और बाहर से जो श्रद्धालु आती हैं, वो भी अपनी इस मुखारविंद से बात नहीं कहें, तो फिर मेरा भी जीना सफल नहीं है, वो असफल है। मैं गुरु गोविंद सिंह की तरह दीवार में चिन जाऊंगा यदि मैं उनकी कसौटी के ऊपर खरा नहीं उतरा तो। जैसा कि मुकेश धनगढ़ जी ने बताया कि मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे क्या विकास करना है, ब्रज की जनता बताएगी और वो खुद बोलेगी कि हाँ यहाँ विकास हुआ है। अगर मैं उनकी कसौटी पे खरा नहीं उतरता हूँ तो मैं दीवार में चिन जाऊंगा, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है। पर 4 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद पता चलेगा किसके सर पर ताज होगा और किसको शिकत देखनी पड़ेगी। सृष्टि यूपी से विपिन सारस्वत, मथुरा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।